दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक्साइज पॉलिसी घपले के मुलजिम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर समाअत, अर्जी में ईडी की गिरफ्तारी को किया गया है चैलेंज। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज है नामजदगी का आखिरी दिन, 30 मार्च तक कागजात नामजदगी लिए जा सकते हैं वापस, 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव समेत कई लीडर भरेंगे अपने कागजात नामजदगी। मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल में बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी, योगी आदित्यनाथ आज यूपी के मथुरा से इंतखाबी मुहिम करेंगे शुरू। टीएमसी के स्टार कैंपेनर की फहरिस्त से महुआ मोइत्रा का नाम गायब। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर काबिल एतराज बयान की वजह से बीजेपी ने दिलीप घोष से जवाब किया तलब। कांग्रेस की जानिब से तौहीन आमेज तबसरों का सामना करने वाली कंगना रनावत ने बीजेपी सदर से की मुलाकात, इंतकाबी हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। जनूबी भारत में जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू आज से अपनी इंतखाबी मुहिम करेंगे शुरू। शरद पवार की एनसीपी भी उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में मुंबई में करेगी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल गिरने से 6 अफराद हलाक, बंदरगाह पर बहरी जहाजों की आमद और रफ्त अगले नोटिस तक मुअत्तल। सदर बाइडेन ने कहा वफाकी हुकूमत तबाहशुदा पुल की करेगी तामीर नौ। और खेलों में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार कारकर्दगी जारी, गुजरात टाइटंस को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी जीत की दर्ज। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल शराब घपले से मुतालिक मामले में ईडी की हिरासत में हैं। ये गिरफ्तारी कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत, इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत होगी। केजरीवाल ने अपनी अर्जी में ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। जस्टिस सुरेंद्र कांत मिश्रा इस केस की समाअत करेंगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अदालत से फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने इसे कबूल नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी का दावा है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले में केजरीवाल अहम साजिशी थे। ईडी से पहले सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी और इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। बीआरएस के एमएलए और तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी इस मामले में अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हुकूमत ने आज असेंबली का खसूसी इजलास तलब किया है। ऐवान के खसूसी इजलास में दिल्ली हुकूमत की सेहत खिदमात पर बहस होगी। वजीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में मवसूल होने वाली शिकायत की रिपोर्ट के साथ चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है और उनसे निमटने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया है। इससे कबल ये इजलास 22 मार्च को तलब किया गया था। सेशन बुलाने का बुनियादी मकसद दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में अद्वियात की कमी और जांच से मुतालिक मसाइल से था, जिस पर वजीर सेहत ने चीफ सेक्रेटरियों को अपने एक्शन प्लान समेत मौजूदा सूरत हाल पर तलब किया था। 21 मार्च की रात वजीर आला केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से 22 मार्च को ऐवान की कार्रवाई 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। और एक और अहम खबर, दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा आज सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात केजरीवाल की तरफ से ईडी रिमांड से दिए गए हुक्म के बारे में है। इस दौरान सचदेवा कुछ बड़े इनकशफात भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ वर्जी मामले में ईडी
ने कैप्रिकॉन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विजय शुक्ला और संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में वाकई ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद की है। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया। काबिल एतराज दस्तावेज और डिजिटल आलात को जब्त करने के साथ ईडी ने 47 बैंक खातों को भी मुंजमद कर दिया है। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन है। पहले मरहले में 102 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, जिनमें से 98 सीटों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। पहले मरहले के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। बिहार में 4 सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल 28 मार्च है। बिहार में कागजात की जाँच 30 तारीख को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल है। दीगर सीटों में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, मकरबी बंगाल की 3, अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय में 2-2 सीटें शामिल हैं। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। और इस बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश लोकसभा इंतखाबात के लिए स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। 40 स्टार कैंपेनर्स की इस फहरिस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और 6 रियासतों के वजरा आला के नाम शामिल हैं। फहरिस्त के मुताबिक 7 मरकजी वजरा को भी मध्य प्रदेश का स्टार कैंपेनर बनाया गया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इंतखाबी रैलियों से पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ दानिश्वर कॉन्फ्रेंसों के जरिए मुख्तलिफ अजला में लोगों से बातचीत करेंगे और हुकूमत का कामकाज और हिसाब देंगे। दानिश्वर कॉन्फ्रेंस आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ 27-31 मार्च तक 15 अजला में मुजवजा कॉन्फ्रेंसों के जरिए बीजेपी के लिए इंतखाबी मैदान तैयार करेंगे। मगरबी बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों के लिए 7 मराहल में इंतखाबात होंगे। तृणमूल कांग्रेस ने 19 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। टीएमसी ने अपने स्टार कैंपेनर की फहरिस्त में 40 रहनुमाओं के नाम शामिल किए हैं, जिनमें मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का नाम सर फहरिस्त है। लिस्ट में रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, साबिक क्रिकेटर और उम्मीदवार यूसुफ पठान और दीगर को भी फहरिस्त में स्टार कैंपेनर बनाया गया है। ताहम टीएमसी की फायर ब्रांड लीडर मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को इस फहरिस्त में जगह नहीं दी गई है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब तलब किया है कि बंगाल की वजीर आलम ममता बनर्जी पर किए गए काबिल एतराज रिमार्क्स पर उनका क्या कहना है। दुर्गापुर बर्धमान से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ममता बनर्जी पर नाजेबा तबसरा किया, जिस पर बीजेपी क्यादत ने नाराजगी जाहिर की है। दिलीप घोष के बयान पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर की जानब से खत जारी किया है, जिसमें उनसे अपनी पोजिशन वाजह करने के लिए कहा गया है और साहती इसलाही कदम उठाने का मशवरा भी दिया गया है। दिलीप घोष के बयान के बाद टीएमसी हमलावर है। दिलीप घोष के इस बयान को खवातीन की शिनाख्त से जोड़ते हुए टीएमसी ने पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। और इस दौरान अदाकारा और लोकसभा की उम्मीदवार कंगना रनावत कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत के काबिल एतराज पोस्ट के बाद पैदा होने वाले तनाजे के दरमियान मंगल को दिल्ली पहुंच गईं। कंगना ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश की सियासत और इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस तर्जुमान के काबिल एतराज पोस्ट पर मुसलसल हमले कर रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की मरकजी पार्लिमानी एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक अहम मीटिंग आज मुंबई में होगी। मीटिंग में लोकसभा उम्मीदवारों के बारे में बातचीत होगी। ये मीटिंग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद चंद्र पवार की मौजूदगी में होगी। मीटिंग में कई उमूर पर बहस होगी, फैसला किया जाएगा और लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए दीगर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। और उधर कांग्रेस ने भी लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की 7वीं फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों और तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 7वीं फहरिस्त में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से
बरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आर सौदा को तमिलनाडु के मलायादुथराई से मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने अब तक 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी की रुकनियत दिलाई। विनोद तावड़े ने कहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू का सियासी तजुर्बा पंजाब में बीजेपी को मजीद मजबूत करेगा। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा, और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का पंजाब भाजपा, पंजाब की जनता इसके प्रति और दायित्व बढ़ता है, और वो बहुत खूबी से वो निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। रुख करेंगे बिहार का। सीटों की तकसीम पर बिहार में अजीम इत्तेहाद में रस्सा कशी की खबरों के दरमियान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमाओं ने नई दिल्ली में एक मीटिंग की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इसमें हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने इस पर इत्तफाक किया है कि बाएं बाजू की पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको उनकी सीट मिल जाएगी और इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। काबिले जिक्र है कि बिहार में अपोजिशन इत्तेहाद की इत्तेहादी जमातों ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के माहदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी है। ताहम आरजेडी ने पहले मरहले की वोटिंग के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तेहाद के तहत बीजेपी ने तमाम 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और जेडीयू ने तमाम 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। एनडीए इत्तेहाद के तहत एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और रामकृष्ण मिशन के सदर महाराज स्वामी स्मरानंद जी का कोलकाता में इंतकाल हो गया है। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। महाराज स्वामी स्मरानंद जी काफ़ी दिनों से कोलकाता के अस्पताल में जेर इलाज थे। उनके इंतकाल से उनके अकीदतमंदों में शोक की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, उन्होंने लातादाद दिलों और दिमागों पर अनमिट नक्कूश छोड़े हैं। उनकी शफक्कत और हिकमत नस्लों को मुतासर करती रहेगी। मेरा उनके साथ बरसों से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। मुझे 2020 में बेलूर मठ का दौरा याद आया है, जिसमें उनके साथ बातचीत की थी। चंद हफ्ते कबल मैं उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए कोलकाता के अस्पताल भी गया था। मेरी ताज़ियत बेलूर मठ के अनगिनत अकीदतमंदों के साथ है। ओम शांति। इसराइली फौज के तर्जुमान ने हमास के डिप्टी कमांडर मरवान ईसा की हलाकत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कबल से इस इत्तला की तस्दीक की थी कि रवा माह इसराइली हमले में हमास का एक डिप्टी कमांडर मारा गया था। फौजी तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल वेगारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि इस हवाले से तमाम इंटेलिजेंस मालूमात का जायजा लिया गया है और यह कि मरवान ईसा तकरीबन 2 हफ्ते कबल हमारे हमले में मारा गया था। हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। दीगर आलमी खबरों में अमरीका के बाल्टीमोर में तारीखी फ्रांस स्कॉट पुल माल बरदार जहाज से टकरा कर मुनहदिम होने की वजह से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। ब्राउनर बिल्डर्स के एग्जीक्यूटिव नायब सर जेफरी प्रट्सकर ने कहा है कि कंपनी के 6 मुलाजमीन को मुर्दा करार दे दिया गया है, जबकि एक मुलाजिम को अस्पताल में दाखिल किया गया है। अमला पुल पर तामीराती काम कर रहा था, इसी दौरान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में पुल गिर गया। कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल शैनन ग्रंट ने कहा है कि काफ़ी देर चले राहत रसाने के काम और पानी के दर्जा हरारत की बुनियाद पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई जिंदा बचा होगा। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में दरियाए पाटपक्सो पर वाक़ तारीखी फ्रांस स्कॉट पुल मंगल की सुबह तकरीबन 1:30 बजे सिंगापुर के झंडे वाले माल बरदार जहाज डाली से टकराने के बाद गिर गया। राहत और बचाव का काम बुध की सुबह तक रोक दिया गया है। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने ट्वीट किया है और बाल्टीमोर में फ्रांस स्कॉट के ब्रिज पर पेश आने वाले बदकिस्मत हादसे से मुतासर तमाम लोगों के तहत अपनी ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने हॉटलाइन नंबर 1996717202 भी जारी किया है और कहा है कि हादसे से मुतासर हिंदुस्तानी शहरी जिन्हें मदद की ज़रूरत है वो हमसे राबता कर सकते हैं।
और लंदन हाई कोर्ट ने फिलहाल विकीलीक्स के बाने जुलियन असांज की अमरीकी हवालगी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि अमरीका यकीन दहानी कराए कि उसे सजाए मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत ने अमरीका को जवाब देने के लिए अपना फैसला 3 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। विकीलीक्स के बानी असांज पर खुफिया अमरीकी फौजी रिकॉर्ड और सफारती केबल्स लीक करने का इल्ज़ाम है, जबकि असांज के वकला का मौक़िफ़ है कि रियासती इंतकामी कार्रवाई चाहिए कि उन्हें मृत्यु दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत ने अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने फैसले को थिएटर का आलमी दिन यानी वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे दुनिया भर के फनकारों के लिए वक्फ है। ये दिन थिएटर से वाबस्ता तमाम फनकारों के लिए नहायत अहम है। ये दिन लोगों को थिएटर की अहमियत से वाकिफ कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोगों को बताया जाता है कि थिएटर माशरे की तरक्की के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व रंगमंच दिवस है। रंगमंच ना केवल मनोरंजन का जरिया है बल्कि ये लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ प्रेरित करने का भी काम करता है। थिएटर दुनिया भर में फन, सकाफत और रिवायात को जाहिर करने के सबसे नुमाया और कदीम तरीकों में से एक है। ये मुख्तलिफ ड्रामों के जरिए समाजी बुराइयों और मसाइल के बारे में आगाही पैदा करता है। आज का दिन थिएटर आर्ट्स की अहमियत और माशरे में उनसे पैदा होने वाली तब्दीलियों के बारे में शऊर उजागर करने के लिए मनाया जाता है। थिएटर में बहुत सी तर्जें, अनवा और सकाफती रिवायतें भी शामिल हैं। थिएटर ने वक्त के साथ साथ काफ़ी तरक्की भी की है। थिएटर का आलमी दिन थिएटर आर्ट की अहमियत को मनाता है क्योंकि ये हमें हरकत देता है, तफरी फराहम करता है, सिखाता है और हमें बदलता भी है। थिएटर का आलमी दिन मनाने का बुनियादी मकसद लोगों में थिएटर के बारे में बेदारी को उजागर करना है और उन्हें इस बात की अहमियत से आगाह करना है कि कई बार स्टेज पर हकीकत कई मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आती है जो हमारे दिल पर असर करती है। हम जानते हैं कि एक लंबे समय से रंगमंच अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है? नाटक जब अभिव्यक्ति का एक इतना बड़ा माध्यम है तो कोई भी समाज जो नाटक से अछूता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हमारे देश में लगभग 3000 साल के आसपास उससे पहले भरत मुनि ने नाटशास्त्र लिखा था। उसमें भी उन्होंने कहा है कि नाटक जो है वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का स्रोत है, उसमें कला के अलग अलग विधा का एक समाहार है, एक समावेश है। तो आज जब हम वर्ल्ड थिएटर डे मना रहे हैं, वर्ल्ड में हमने पहले भी सुना है, कहा गया है कि पूरा विश्व एक रंगमंच है, ये लोगों के लिए है, लेकिन हम रंगमंच में रंगकर्म करने वालों के लिए हमारे तो रंगमंच ही पूरा वर्ल्ड है। दुनिया भर में लाखों लोग थिएटर आर्ट से लुत्फंदोज होते हैं। तामीर की तैयारी में हफ्तों महीनों भी लग जाते हैं और इसके लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है। ड्रामा निगार बेहतरीन प्लॉट, डायलॉग और एक्शन पेश करते हैं। हिदायतकार और अदाकार किरदारों को तैयार करते हैं और मुसन्निफ के विजन को उजागर करते हैं अदाकार। डायरेक्शन, म्यूजिक, लाइटिंग और कोरियोग्राफी भी पूरे शो को यकजा करती है। जैसे अभी OTT आ गया है, लोगों के हाथ में सिनेमा आ गया है, बट थिएटर की एक लाइव परफॉर्मेंस की जो खूबसूरती है, और जैसा हम बोलते हैं कि थिएटर जो है वो समाज का आईना है, तो एक जो थिएटर आर्टिस्ट है या फिर एक जो डायरेक्टर एक थिएटर पीस क्रिएट करता है, एक नाटक क्रिएट करता है, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके समाज को देखता है, समाज में जो घट रहा है उसको अपने उस थिएटर मीडियम में लाने की कोशिश करता है और लोगों को अवेयर करता है। और एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ऑडियंस जो है वो एक दीपक लेके आता है थिएटर देखने या कोई नाटक देखने, और वहाँ जो अभिनेता होता है या जो डायरेक्टर होता है वो उस दीपक को जलाता है। रंगमंच देखने भी आते हो तो आप एक साथ आते हो, एक ग्रुप के साथ आते हो, किसी के साथ बैठना और किसी चीज़ को देखना और फिर उस मैसेज को ग्रेस्प करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे बच्चों में, हम बड़ों से लेके बच्चों से लेके हर किसी में ज़रूरी है। कहा जाता है कि फनकार ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपने अपने अंदाज में दुनिया के सामने पेश करते हैं। अगर कोई ज़िंदगी में किसी का दिल बहलाने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो फनकार अपने फ़न में यकता है। वक्त के साथ साथ थिएटर में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन कहानी सुनाने और इंसानी इजहार का इसका बुनियादी मकसद आज भी वही है। सामाइन के पास तफरी के मुतवन्ना ऑप्शंस तो मौजूद हैं, जिनमें फिल्म, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया भी शामिल है, लेकिन इसके मुकाबले आज भी थिएटर अपनी साख बनाए हुए है और सामाइन तक अपनी रसाई में इजाफा कर रहा है।
शहला निकार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ए साजनी हो, ए साजनी हो, ए साजनी। और अब नजर डालते हैं दिल्ली से छाए आज के उर्दू अखबार पर। और आज के अखबारात में जो पहली सुर्खी है वह है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है सलामती कौंसिल में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अमेरिका ने पहली बार करारदाद को वीटो करने से गुरेज किया। हमास ने करारदाद का खैर मकदम किया है, और साथ ही एक अफसोसनाक खबर यह कि गजा के समंदर से इमदादी सामान लेने गए 15 फिलिस्तीनी गर्काब हो गए। अगली सुर्खी लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, केजरीवाल की हिरासत से मुतालिक वज़ीर आला का दायरा तंग करने की तैयारी। केजरीवाल हिरासत में न जारी करें सरकारी अहकामात। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है, दिल्ली सरकार पर आइन के खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस दौरान आप कारकुनान सड़कों पर उतरे हैं और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश की, जिस दौरान वो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय सहारा की अगली सुर्खी की तरफ। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज की कोशिश को नाकाम बनाया गया। वज़ीर आला की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने आप कारकुनान ने वज़ीर आज़म की रिहाइश को घेरने की कोशिश की, और इस बीच कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस MP रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। पंजाब के लुधियाने से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने भाजपा में शमूलियत इख्तियार की है, और उन्होंने पंजाब के किसानों, मजदूरों, सनअतकारों और नौजवानों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मिशन की हिमायत करने की अपील की है। अगली सुर्खी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, राजस्थान और मणिपुर की तीनों सीटों के लिए BJP ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं, और मणिपुर के रुकने पार्लियामेंट और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख्वाजा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह और राजस्थान की सीनियर कबायली MP मीना के टिकट को मनसूख कर दिया गया है। उनकी जगह नए उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। के कविता को 9 अप्रैल तक के लिए जेल में भेज दिया गया है, उनके खिलाफ तफ्तीश अभी भी जारी। और इसके बाद की खबर लेते हैं। हज 2024 की दूसरी किस्त जमा कराने की तारीख में चौथी मरतबा तौसी की गई है। और इसके बाद अगली सुर्खी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और अब खेल की खबरों का रुख करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या और पेज कमिंस इस मैच में अपनी पहली जीत दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबले के आदाद शुमार पर नज़र डालें तो हैदराबाद के लिए मुंबई को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 21 मैच खेले जा चुके हैं, इस दौरान मुंबई इंडियंस ने 12 मैच जीत लिए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए गुज़िश्ता 5 मैचों में से मुंबई इंडियंस ने 4 में कामयाबी हासिल की है। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा बरकरार है। टीम ने मंगल को अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ 63 रन की शानदार जीत दर्ज की। इससे कबल CSK ने अपने पहले मैच में RCB को शिकस्त दी थी। मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई की टीम ने मुकर्र 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बनाए। चेन्नई की जानिब से शिवम दुबे ने 51 रन बनाए, जबकि कप्तान ऋतुराज ने और रचिन रविंद्रा ने 46-46 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 143 रन ही बना सकी। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा, उसके बाद 6 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। टीम ने कंगारू के उन्हीं के घर में 2 मरतबा और अपने घरेलू मैदान पर भी 2 मरतबा उन्हें शिकस्त दी है। हर मरतबा जीत का फर्क 2-1 से भारत के हक में रहा है। टीम इंडिया अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 3 में से 2 सीरीज जीत चुकी है। टीम ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, 6 में जीत मिली और महज 2 में टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में खेले जाने वाले ख्वातीन एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 जुलाई से होगी और पहले ही दिन दो दिलचस्प मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तानी टीम का मुकाबला नेपाल के साथ होगा, वहीं भारतीय टीम का मुकाबला यूएई के साथ होगा। उसके बाद अगले मुकाबले में 21 जुलाई को भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 28 जुलाई को मुनक्किद होगा। और हम नजर डालते हैं मौसम के हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।